Hello student, today we will continuing with our chapter number 1. Today we will study stoichiometry and stoichiometric calculation, right? So the word stoichiometry is derived from two Greek words stoichion and metron, right? So stoichion matlab स्टोइकियन का मीनिंग क्या है? एलिमेंट, राइट? एंड मेट्रोन मतलब कि मेजर, मतलब कि स्टोइकियो एलिमेंट मेजरमेंट, राइट? तो स्टोइकियोमेट्री डज डील विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस, समटाइम्स वॉल्यूम आल्सो, राइट, ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, राइट? मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके कैलकुलेशन ऑफ मासेस के लिए और उसका जो वॉल्यूम है समटाइम्स, राइट, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग स्टोइकियोमेट्री का यूज़ करते हैं, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट किसे बोलते हैं और प्रोडक्ट किसे बोलते हैं। तो जो दो कंपाउंड या तीन कंपाउंड या चार कंपाउंड के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है, राइट, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट, राइट? तो वो रिएक्टेंट के बीच में क्या होगी? रिएक्शन होगी और हमें न्यू कंपाउंड फॉर्म होंगे, राइट, न्यू कंपाउंड मिलेंगे। तो वो जो न्यू कंपाउंड मिल रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे, राइट? तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिक्वायर, मतलब कि कितने रिएक्टेंट रिक्वायर है, हमें कितने रिएक्टेंट चाहिए, और द प्रोडक्ट प्रोड्यूस, मतलब कि केमिकल रिएक्शंस के थ्रू कितनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है, उसका कैलकुलेशन उसे अंडरस्टैंडिंग करने से पहले यहाँ पे हमें क्या बोला है कि लेट अस स्टडी व्हाट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन है उसे बैलेंस करना पड़ेगा, राइट? तो उसके स्टडी रिगार्डिंग हमें पहले क्या चाहिए? उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट? तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, लेट अस द कंबंशन ऑफ अ मीथेन, मतलब कि मीथेन को कंबंशन करना है, तो मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, राइट? अ बैलेंसिंग इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन एज अ CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O, राइट? तो हमें आप लोगों को पहले ये जो इक्वेशन है उसे बैलेंस करना आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बोला है कि CH4 रिएक्ट विथ O2, राइट? यहाँ पे आपको डायरेक्टली बैलेंस इक्वेशन दी हुई है टू प्रोड्यूस CO2 प्लस H2O, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिएक्शन है, राइट, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, तो पहले आपको वो पता होना चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट कौन सी है और हमारा रिएक्टेंट कौन सा है, राइट? तो यहाँ पे इन दिस रिएक्शन CH4 एंड O2 आर अवर रिएक्टेंट, राइट, एंड CO2 प्लस H2 आर अवर प्रोडक्ट, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन रिएक्टेंट साइड वन कार्बन इज प्रेजेंट, राइट, एंड इन अ प्रोडक्ट साइड, यहाँ पे देखो रिएक्टेंट के साइड कितने कार्बन प्रेजेंट है? 1 कार्बन। प्रोडक्ट के साइड भी कितने कार्बन प्रेजेंट है? ओनली 1 कार्बन, मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन क्या है? बैलेंसिंग है, राइट? सेकंड, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो इन रिएक्टेंट साइड पे देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है, राइट, और इन प्रोडक्ट साइड ओनली 2 हाइड्रोजन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों साइड सेम करने पड़ेंगे, राइट? तो रिएक्टेंट साइड 4 कार्बन है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 जा क्या हो जाएगा? 4, मतलब कि दोनों साइड हमारे हाइड्रोजन एटम क्या हो गए? बैलेंस हो गए, राइट? अब लास्ट क्या बचा है? ऑक्सीजन। तो एट रिएक्टेंट साइड यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं? ओनली 2 ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट साइड पे देखो तो यहाँ पे 2, राइट, और यहाँ पे 1, लेकिन 1 × यहाँ पे 2 है तो उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस CO2 में 2 ऑक्सीजन और H2O में 2 ऑक्सीजन, तो 2 + 2 टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 4, राइट? तो रिएक्टेंट के साइड पे भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 O2 है, राइट, तो 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो 2 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 4 मिलेगा, तो 2 से, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? 2 O2, राइट, तो 2 × 2 = 4, तो देखो हो गए, यहाँ पे CH4 1 है तो यहाँ पे हमारा भी 1 है, फिर O2 यहाँ पे देखो कितने हैं? 2, तो हमारे भी कितने आ गए? 2, CO2 कितने हैं? 1, तो हमारे भी 1, और 2H2O, तो यहाँ पे हमारे भी H2O 2H2O आ गए, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो केमिकल इक्वेशन है उसे बैलेंस करना पड़ेगा, राइट? हियर मीथेन एंड डाई ऑक्सीजन आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड
कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि CO2 एंड वाटर आर कॉल्ड अ प्रोडक्ट, राइट, वो मैंने आपको पहले बताया. नॉट दैट, क्या बोला है आपको, ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन अ गैसियस, राइट, इन द अबाव इक्वेशन, मतलब कि हमारा जो ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसमें देखो CH4 गैसियस फॉर्म में है, O2 गैसियस फॉर्म में है, CO2, यहाँ पे देखो GG लिखा हुआ है, राइट, मतलब कि ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन अ गैसियस स्टेट, राइट. अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो हम लोग उसे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में S, अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो हम लोग क्या लिखेंगे L, राइट. एंड दिस हैज बीन इंडिकेटेड बाय लेटर G इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू इट्स अ फॉर्मूला, मतलब कि उसके फॉर्मूला से नेक्स्ट, मतलब कि उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे वो लेटर इंडिकेट करेंगे, राइट. इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड हम लोग क्या लिखेंगे, S एंड L आर रिटर्न रिस्पेक्टिवली, राइट. अगर सॉलिड है तो हम लोग S लिखेंगे, लिक्विड है तो हम लोग L लिखेंगे, राइट. द कोएफिशिएंट 2, अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो ये 2 हमारा क्या हो गया कोएफिशिएंट, इन H2O में भी हमारा कोएफिशिएंट कितना है 2 है, राइट. तो द कोएफिशिएंट 2 फॉर ऑक्सीजन एंड H2O आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट. तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट. हम लोग ये 2 का यूज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज की जो हमारा इक्वेशन है उसे हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, राइट, मतलब कि हमें उसकी स्टोइकियोमेट्री पता चलेगी, तो इसकी वजह से हम लोग उसे क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट. सिमिलरली द कोएफिशिएंट फॉर CH4 एंड O2 इज 1 इन ईच केस, राइट. यहाँ पे देखो CH4 1 है और CO2 भी कितने हैं 1, तो उसके लिए हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया, राइट. दस फ्रॉम द दिस रिलेशनशिप द गिवन डेटा कैन बी इन्वर्टेड एज फॉलोज, मतलब कि उससे हमें कौन से डेटा मिलेंगे, तो मास, मोल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, डेंसिटी, राइट. तो डेंसिटी मतलब यहाँ पे आपको पेंसिटी लिखा हुआ है, राइट, लेकिन पेंसिटी नहीं आएगा, क्या आएगा, डेंसिटी, राइट. डेंसिटी मतलब क्या होगा, डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, थैंक यू.